पैनोप्टिक पर्सनलाइजेशन। पहले समझ लेते हैं पैनोप्टिक का क्या मतलब है। पैनोप्टिक मीन्स शुड बी एबल टू सी द होल एट वन व्यू ऑफ जो कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं। तो कहीं हम इसको इंडस्ट्री वाइज लगाते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि उस कस्टमर के लिए जो कोई भी इंडस्ट्री हुई, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई हो सकती है या सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, क्या वो 360 डिग्री व्यू कस्टमर का ले पा रहा है और जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है या सर्विसेज सजेस्ट कर रहा है वो पूरा वैसा देख के कर रहा है। ऐसा देखा गया है कि कई बार कंपनीज ऑलरेडी उनके आईटी सिस्टम्स हैं और उन्होंने कस्टमर के सेगमेंटेशन डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो आप कस्टमर नो सिल्वर सेगमेंट, गोल्ड सेगमेंट या प्लेटिनम सेगमेंट, तो नॉर्मली आपको डिपेंडिंग ऑन लेट्स से योर इनकम रेंज और बाकी चीज़ें देखकर ऐसा सोच लेता है कि आप इस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं तो आपकी शायद नीड ऐसे ही होंगी। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि आपके जब कस्टमर बढ़ते जाते हैं तो आप हर कस्टमर को तो कैटर करना बड़ा मुश्किल है, हर कस्टमर के बारे में समझना। तो कई बार आप देखते हैं जो कस्टमर जिससे सबसे ज़्यादा मुनाफा हो रहा हो, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, उसके लिए तो आप थोड़ा डेडिकेट होकर काम करेंगे। बाकियों को आपने एक सेगमेंट में फिट कर दिया और उनके लिए बता दिया है कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप इस सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव करेंगे तो आपको ये एक और फ़ायदा होगा, उसके बाद ये और होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उससे उस कस्टमर की सब रिक्वायरमेंट मीट हो रही हों, बट ऐसा है। एंड जब पहले मैनुअल सिस्टम था या शुरू वाले आईटी सिस्टम थे तो ये चीज़ें करना शायद ठीक ही था, लेकिन अब जब हमारे पास काफ़ी स्मार्ट आईटी सिस्टम हो चुके हैं, और मेरा यह मतलब है और जो मैं टर्म यूज़ किया करता हूँ एसेट टेक्नोलॉजीज विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग, डेटा, ये चीज़ें अभी तो डेटा कलेक्ट करना बहुत ही इजी हो गया है कस्टमर के लिए। ऑफ कोर्स आपको कस्टमर का कंसेंट लेना होगा, उसने हाँ बोला होगा उसके बाद ही आपको लेना चाहिए उसका डेटा, पर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में, क्लाउड पे वो कंप्यूट किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस डेटा का मीनिंग निकाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको वो पूरा होलिस्टिक व्यू, एक पूरा 360 डिग्री व्यू करके और फिर कस्टमर को वो चीज़ें ऑफर करनी चाहिए। कहीं हम इसका बैंकिंग में एग्जांपल लें तो एक ये माना जाता है कि कहीं कस्टमर आपके पास एक हाउसिंग लोन के लिए आया है, तो मतलब वो उसे एक्चुअली में हाउसिंग लोन नहीं चाहिए, उसे हाउस चाहिए। तो आपको वो बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पुराना एक एग्जांपल है जो कि अभी भी ट्रू है, पर ये हो चुका है, अभी बैंक को इन सब से आगे बढ़ना होगा। तो मैं दूसरे तरह से इसको अभी प्रेजेंट करूँगा कि सपोज आपका कस्टमर बोलता है कि वो ये मूवी देखता है और उसे ये एक्टर पसंद है, तो शायद आपको इन्हीं चीज़ों से इंटरप्रेट करना होगा कि आपको कस्टमर की हॉबी पता लग रही है, वो किस टाइप की मूवी देखता है, उस मूवी में कौन एक्टर थे या फीमेल एक्टर जो थे वो क्या थे और मूवी किस लैंग्वेज में थी, तो उससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा मूवी किस ईयर में आई थी। तो आपको इस टाइप से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो पहले था कि आपने सेगमेंट बना के रख लिए और उन्हीं सेगमेंट में कस्टमर को फिट करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब नहीं है। अब आपको एक अडेप्टिव मेथड लाना पड़ेगा जो कि रियल टाइम डेटा पर जो कस्टमर की नीड है उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट बनाने होंगे और ऑफर करने होंगे। और इसका एक काफ़ी एग्जांपल ये है कि कहीं हम Gen Z को देखें तो उन्होंने तो शायद फिजिकल बैंक ब्रांच नहीं देखी होंगी। हम लोग ने फिजिकल बैंक ब्रांच देखी, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग देखी तो हमें बड़ी वाव चीज़ लगी, पर Gen Z ने तो शायद फिजिकल बैंक ब्रांच देखी ही नहीं है, उन्होंने तो इंटरनेट
उन्हें हम बोल सकते हैं वो इंटरनेट नेटिव हैं, उधर ही से काम शुरू किया, स्मार्टफोन से ही काम शुरू किया। तो उस पर कहीं किसी बैंक ने कुछ एक अच्छी सी वेबसाइट बना दी है तो वो जिंदगी के लिए ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए। हाँ ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी और चीज़ें सोशल मीडिया पे देखा करता है, तो उसको ये होता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। और हाँ मतलब आप बड़े लोग के लिए जो ज़्यादा खर्चा करते हैं उनके लिए तो आप कर रहे हैं, पर मेरे लिए इसमें क्या है। तो पहले जो ये चीज़ें बड़ी कॉस्टली होती थी करनी, बट विद टेक्नोलॉजी एंड अगेन आई रिपीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ द थिंग, डेटा, ये डेटा कलेक्ट करके उसका मीनिंग निकाल कर उसको क्या रियली में चाहिए उस वो ऑफ़र किया जा सकता है। और इसी टाइप से वो एक जो कुछ भी एक कंपनी है वो और टाई अप कर सकती है बाकी लोगों के साथ, और अच्छी और चीज़ें जो कि टोटली पर्सनलाइज हैं उस कस्टमर के लिए उसे ऑफ़र कर सकती हैं। तो पैनोप्टिक पर्सनलाइजेशन जो है वो रियल टाइम डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब करके आप ऑफ़र कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी आने वाला है या आ रहा है वो मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ के पास ओल्ड आईटी सिस्टम्स हैं, तो उन्हें वो रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और कई बार वो पर्सनलाइजेशन के नाम पर बस कुछ चीज़ें थोड़ी मॉडिफाई कर देते हैं, तो कई बार जो वो सोच है वो उसी में लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके आईटी सिस्टम शायद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट जैसे मैंने बोला जेन ज़ी जो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत सारी और चीज़ें देख रहा है, तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि शायद ये कंपनी या ये इंडस्ट्री, चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, वो मुझे ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जगह लोग तो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसी कारण पैनोप्टिक पर्सनलाइजेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि लोग पर्सनलाइजेशन तो बोलते हैं कि हाँ मैं आपके लिए पर्सनलाइज प्रोडक्ट लाऊंगा, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है उतना। वो बस यही है कि हाँ एक सेगमेंट में कुछ और चीज़ें आपके लिए कर दें कभी कभार, मतलब तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण पैनोप्टिक पर्सनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जाएगा, लोगों को एक नए तरीके से सोचना होगा, उस हिसाब से आईटी सिस्टम लेने होंगे, उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करना होगा, उस हिसाब से एनालिसिस करनी होगी, एक इंक्लूसिव वर्कफोर्स बनानी होगी और सोचना होगा कि उस कस्टमर को उस जगह पे क्या चाहिए होगा। तो दिस ऑल अबाउट पैनोप्टिक पर्सनलाइजेशन। इसके बारे में और आप मेरे वेबसाइट www.rakhtimsingh.com पे जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।